दोस्तों, वेलकम टू फोटो टिप्स। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको सही एक्सपोजर के बारे में बताया था, कुछ फोटोज दिखाकर एग्जाम्पल्स भी दिए थे। आज मैं आपको एक्सपोजर ट्रायड के बारे में बताऊंगा। वो कौन से ऐसे तीन एलिमेंट्स हैं जिनके सही कॉम्बिनेशन से आप सही एक्सपोज्ड फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। दोस्तों, एक्सपोजर ट्रायड के तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट्स किस तरह से एक्सपोजर पर अपना असर डालते हैं, दोस्तों ये फोटोग्राफी की बुनियादी बातें हैं। इनको अच्छी तरह से समझे बगैर हम फोटोग्राफी के सफ़र में ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो आइए समझें एक्सपोजर ट्रायड। ये है हमारा एक्सपोजर ट्रायड। इसके तीनों कोनों पर तीन वेरिएबल्स हैं, ISO, शटर स्पीड और अपर्चर। इन तीनों के सही बैलेंस या सही कॉम्बिनेशन से करेक्ट एक्सपोजर मिलता है। तो आइए दोस्तों, एक्सपोजर ट्रायड को और अच्छी तरह से समझते हैं। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हुआ एक्सपोजर ट्रायड। इसके तीन कोने हैं। ये हमारा ISO है। दूसरे कोने पर हमने शटर स्पीड को रखा है और तीसरे कोने पर इसके अपर्चर को रखा है। ISO, शटर स्पीड एंड अपर्चर, इन तीनों से मिलकर हमारा एक्सपोजर बनता है। इन तीनों के बैलेंस होने से हमारा सही एक्सपोजर बनता है। मान लीजिए किसी तस्वीर को क्लिक करने के लिए सही एक्सपोजर में हमारा ISO 100 है, शटर स्पीड 125 है और अपर्चर 11 है। इस कॉम्बिनेशन से हमें सही एक्सपोजर मिल रहा है। आइए थोड़ी देर के लिए इस शटर स्पीड को बढ़ाकर 250 कर देते हैं। अब हमें सही एक्सपोजर लेने के लिए क्या करना होगा? जब हमारी शटर स्पीड बढ़ गई है, 250 हो गई है, तो हमें अपर्चर को थोड़ा वाइड खोलना होगा। इसको हम 11 से 8 कर देते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हमें सही एक्सपोजर मिलेगा। आइए अब थोड़ी देर के लिए शटर स्पीड को हम 250 से 500 कर देते हैं। 500 स्पीड और फास्ट है, इसलिए हमें अपर्चर को थोड़ा और बड़ा खोलना होगा। हमने इसे 5.6 कर दिया। तो तीनों ही परिस्थितियों में 125, 11, 250, 8 और 500, 5.6 के कॉम्बिनेशन से हमें तीनों परिस्थितियों में ही सही एक्सपोजर प्राप्त होगा। आइए अब ISO को चेंज करके अपने कॉम्बिनेशंस बदलते हैं। आइए अब हम फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्सपोजर ट्रायड, पहले ही की तरह ISO, शटर स्पीड और अपर्चर, पहले ही की तरह कॉम्बिनेशन, शटर स्पीड 125, ISO 100 और अपर्चर 11। पहले हम शटर स्पीड और अपर्चर को चेंज कर रहे थे एक्सपोजर को बैलेंस करने के लिए। अब हम अपर्चर को चेंज नहीं करेंगे, इसको 11 पर फिक्स कर देते हैं। अब हम ISO को चेंज करते हैं और शटर स्पीड को चेंज करते हैं। शटर स्पीड हमने 25 की है, शटर स्पीड बढ़ गई है, लाइट की वैल्यू कम मिलेगी, इसलिए हमें सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ISO 200 कर दिया है, पहले ही की तरह एक्सपोजर लेने के लिए। अब हम शटर स्पीड 500 करते हैं, स्पीड और फास्ट हो गई है, इसलिए हमें सेंसिटिविटी को और बढ़ाना पड़ेगा। 400 कर देंगे तो हमें 125, 250, 200, 500, 400, इन तीनों परिस्थितियों में हमें सही एक्सपोजर
मिलेगा। अब अलग अलग परिस्थितियों में हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाने होंगे, ये बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है। ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली है, ये हमारा शटर स्पीड, ये अपर्चर और ये रहा आईएसओ। बिल्कुल पहले ही की तरह हमने 125 शटर स्पीड ली थी, 11 अपर्चर था, 100 आईएसओ था और हमें सही एक्सपोजर मिल रहा था। अब हम शटर स्पीड को 250 कर लेंगे, पहले ही की तरह अपर्चर को 8 करना होगा सही एक्सपोजर लेने के लिए। तीसरी परिस्थिति हमारे पास थी कि शटर स्पीड हमने 500 की थी, अपर्चर को हमने 5.6 किया था फिर से एक बार सही एक्सपोजर लेने के लिए। अब इन तीनों कॉम्बिनेशंस में हमें सही एक्सपोजर मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सी सेटिंग्स, कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत जरूरी बात है। हमें तीनों ही कंडीशंस में सही एक्सपोजर मिल रहा है तो हम 11 अपर्चर कहाँ यूज करेंगे। देखिए इन तीनों में 11 अपर्चर सबसे छोटा है, डेप्थ ऑफ फील्ड सबसे ज्यादा होगी, इसलिए लैंडस्केप क्लिक करते वक्त हम ये पहला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। पोर्ट्रेट जब हम क्लिक करेंगे तो हम लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जिसमें अपर्चर 5.6 है जो बड़ा होता है वो यूज करेंगे, क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगी तो हमारी बैकग्राउंड भी ब्लर हो जाएगी और हमारा सब्जेक्ट भी स्टैंड आउट हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक्सपोजर ट्रायड के अलग अलग वेरिएबल्स को इस तरह से बैलेंस किया गया कि हर कंडीशन में हमें परफेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्या क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्पीड, अपर्चर और आईएसओ के बारे में 1x1 डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।